बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अभिषेक मलान की। अभिषेक मलान उर्फ फुकरा इंसान। तो आइए शुरू करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के कंट्रोवर्सियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 ने रंग जमाना शुरू कर दिया। इस शो को सफलतापूर्वक चलते हुए अब करीब 3 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। इस शो के सदस्य अपने अपने व्यक्तित्व में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इसी बीच इस बार शो में हिस्सा लेने के पहुंचे यूट्यूबर अभिषेक मलहान ने अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व के से सदस्यों के बीच अपनी खास जगह बना ली है। इसके साथ ही बिग बॉस ओटीटी 2 का विनर बनने के लिए सभी सदस्यों के बीच होड़ शुरू हो चुकी है। हर कोई खुद को सीजन का विनर बनते हुए देखना चाहता है। साथ ही बिग बॉस ओटीटी 2 के पूरा होते ही बिग बॉस 17 को लेकर के भी सुगबुहार तेज हो गई है। चर्चा है कि बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर को सीधे तौर पर बिग बॉस 17 में एंट्री मिलने वाली है। साथ ही घर के कुछ और सदस्यों को भी बिग बॉस 17 में देखा जा सकता है। इसी बीच फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मलहान ने हाल ही में घर वालों के साथ बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वो बिग बॉस 17 का भी हिस्सा बनना चाहते हैं। अभिषेक मलहान ने हाल ही में कहा, अगर मैं बिग बॉस ओटीटी 2 जीत गया तो 100% बिग बॉस 17 में करूंगा। कलर्स टीवी वाला मैं वो करूंगा अगर मैं जीत गया। बिग बॉस ओटीटी 2 तो अब देखना दिलचस्प होगा। क्या अभिषेक मलहान ये इच्छा मेकर्स पूरी करेंगे या नहीं। इस बार वैसे भी बिग बॉस ओटीटी 2 के फैसलों में काफी हद तक दर्शकों का वोटिंग मायने रखता है। देखना होगा कि क्या ऐसा फिनाले के दौरान भी होगा। एक दूसरी खबर हमारे पास आई है जो हमारे सूत्रों ने बनाई है कि बिग बॉस 17 मेकर्स ने ऑलरेडी अभिषेक मलहान को बिग बॉस 17 का ऑफर दिया है। वो जीते या ना जीते उसको ऑफर मिल चुका है। तो अगर सही खबर होती है तो बिग बॉस मलहान जो बिग बॉस सूत्रों ने दिए बिग बॉस 17 में दिखाई देंगे। आपका क्या कहना है, बिग बॉस 17 में बिग बॉस अभिषेक मलहान को देखना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।